देखिए, अगर कोई भी बंदा, कोई भी इनसर्विस कैंडिडेट आउट ऑफ यूटी जाना चाहता है परस्यू ऑफ एजुकेशन, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकर्डेंस चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जीएडी का अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद ही गवर्नमेंट उसको, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको परमिशन दे सकता है ये हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। वी आर नॉट अगेंस्ट इट, हमारा फंडा क्लियर है। दिस जो लेटर इशू ही है, दैट इज़ इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड वी हैव, आई हैव विथड्रॉन इट यस्टरडे ओनली, एंड इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की हदायत है, जो उनकी डायरेक्शंस है, वो वी विल इम्प्लीमेंट देम इन लेटर एंड स्पिरिट, एंड दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिपार्टमेंट। और कोई भी इस ये मैसेज देना चाहता है कि ये इस तरह की खबरें, जो इस तरह की डिरेल करना चाहता है इस सिस्टम को, दैट हिज एक्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड, एंड वी आर विद द डिसिप्लिन एंड विद द प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज होना चाहिए, तभी हम उस डिग्री को मानेंगे। और नंबर वन, ये नहीं है कि अगर कोई इन कैंपस है, इन कैंपस प्रैक्टिकल करता है, फिर यहाँ सैलरी भी निकालेगा, वो बात टॉलरेट नहीं की जाएगी। हाँ, अगर वो प्रॉपर लीव रखता है, प्रॉपर परमिशन लेता है, तो हम उसको अलाउ करेंगे। मकसद यही था कि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए और एक मैसेज जाए कि आप प्रॉपर परमिशन ले लो, और ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ये जो फिलहाल ये जो लेटर है, इसको मैंने विड्रा किया हुआ है, और इसमें कोई पैनिक होने की